सबसे पहले तो मैं जीतने वाले प्रत्याशी को बधाई देती हूँ और जो मेरे कार्यकर्ता समर्पित भाव से लगे रहे हैं और मुझे लग रहा है कि 4.5 लाख के ऊपर वोट फतेहपुर की जनता ने दिया है, इसके लिए मैं सभी कार्यकर्ताओं का और अपने मतदाताओं का आभार व्यक्त करती हूँ। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व का भी आभार व्यक्त करती हूँ। शायद मुझे लग रहा है कि मुझे 19 से ज़्यादा मिला है, जो परिस्थिति फतेहपुर की बनी हुई थी उससे ज़्यादा मुझे परिणाम मिला है, इतना कह सकती हूँ। क्योंकि मुझे 15 दिन पहले से लग रहा था कि कुछ गड़बड़ ज़रूर है, लेकिन जो हमारा ज़मीनी कार्यकर्ता था वो तन मन से लगा रहा है, उसका परिणाम यह है कि 4.5 लाख 4.5 के लगभग वोट मिला है। दूसरा, मुझे ऐसा लग रहा है कि फतेहपुर में जो काम हमने शुरुआत की थी उसमें कहीं ना कहीं विराम जरूर लगा है, और ऐसा लग रहा है कि फतेहपुर, यदि मैं सदर की बात करूं, मुझे लग रहा है कि सर्वाधिक काम फतेहपुर सदर में हुआ है, चाहे मेडिकल कॉलेज हो, केंद्रीय विद्यालय हो, पाइपलाइन गैस हो, सीवर लाइन का पैसा स्वीकृत करवाना हो, यानी काम की दृष्टि से फतेहपुर में जो हुआ है मुझे लग रहा है कि उसमें कहीं ना कहीं ब्रेक लगा है। उम्मीद करती हूँ जो चुनाव जीते हैं इस काम को आगे बढ़ाएं, मेरी उनके लिए शुभकामना है। बीते 10 वर्ष से आप सांसद रहे हैं, अब फतेहपुर से क्या आप दूरी बनाएंगे? नहीं, मेरा कार्यकर्ता जो मेरे लिए खड़ा रहा, मैं क्यों दूरी बनाऊंगी? तो परिवार मानती हूँ अपने कार्यकर्ता को, अपने फतेहपुर वासी को, मैं कभी मेरी दूरी नहीं होगी। दूरी मेरे भाइयों से नहीं होगी, मेरी बहनों से नहीं होगी, कभी ना हुई है ना होगी, चाहे मैं चुनाव लड़ूँ ना लड़ूँ। मैंने जो फतेहपुर से संबंध बनाया वो संबंध हमेशा रहेंगे। हाँ, इतना जरूर है कि जिन लोगों ने मोदी जी के इस मुहिम में रोड़े अटकाए हैं उनको जरूर चिन्हित करके ऊपर बात करूंगी। सीटों का नुकसान हो रहा है लेकिन सरकार इनकी फिर से बना रही है। सरकार तो बन रही है, दम से बन रही है, सरकार बनेगी और जो फतेहपुर के लिए काम की आवश्यकता होगी, केंद्र से प्रदेश से लाने की आवश्यकता होगी, हम जरूर उस फतेहपुर के लिए लाएंगे। क्योंकि फतेहपुर की जनता ने मुझे दोबारा यहाँ से सांसद बनाया, और सांसद नहीं बड़े मार्जिन से बनाया है। इस बार भी मार्जिन था क्योंकि अन्य कैंडिडेट कोई था नहीं, 1-1 2-2 हुआ है चुनाव, तो दो में से कोई तो कोई जीतता ही है। फिर भी मेरे जो साथियों ने, मेरी कृष्णा जी बैठी हुई हैं, पूरी मेहनत की है, बहुत आशीष जी बैठे हुए हैं, पूरी इतनी टीम बैठी हुई है, ये पूरी मेहनत करने वाली टीम है, उनके लिए तो मैं सांसद नहीं रहूँगी, तो भी सरकार है, सरकार के नाते जो भी संविधान बदलना और आरक्षण जैसा मुद्दा जो है, मुझे लगता है देखिए ये एक जिस तरह से अफवाह फैलाई गई, माननीय प्रधानमंत्री जी ने सीधे कहा था कि संविधान में भी दूसरा जन्म लेके आ जाऊँ तो भी नहीं बदल सकते हैं, बाबा साहब के संविधान को कोई बदल नहीं सकता है। लेकिन कभी कभी जनता का मूड है, जनता किसको चुनती है, जनता के मूड को हम नहीं उस पर सवाल खड़ा करते हैं, लेकिन हाँ, फतेहपुर का विकास जरूरी होगा।